भारत से ड्यूटी फ्री आयात पर रोक लगाने के जुगत में अमेरिका। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने चीन के बाद भारत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अमेरिका को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सन 2017 में मात्र 27 अरब डॉलर का अधिक निर्यात किया है, जो चीन की तुलना में 15% भी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्तासीन हुए हैं, वे व्यापार के मामले अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अपने मित्र देशों से भी दूरी बनाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्राथमिकता के आधार पर भारत से होने वाले निर्यात पर ड्यूटी फ्री सीमा शुल्क खत्म किए जाने का मंतव्य प्रकट किया है। इस मद में भारत प्राथमिकता के आधार पर अमेरिका को मात्र 5.5 अरब डॉलर का निर्यात करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कांग्रेस के प्रतिनिधियों को लिखे एक पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर भारत से होने वाले आयात पर निःशुल्क सीमा शुल्क को खत्म करने जा रहे हैं और भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनकी कोशिश होगी कि भारत के अधिकाधिक बाजार तक अमेरिकी पहुँच कायम हो सके। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अनुसार अमेरिका भारत में ई कॉमर्स नियमों की शुरुआत के बाद स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर सीमा शुल्क की दरें बढ़ गई हैं।